नमस्कार, मैं शालिनी शाक्या और आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के नामांकन का सिलसिला अभी जारी है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं और अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। वहीं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में नॉमिनेशन चल रहा है। इन पांचों में से सबसे हॉट सीट पूर्णिया है और यहाँ से बीमा भारती ने नामांकन किया है। आपको बता दें, पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। साथ ही पप्पू यादव के नॉमिनेशन पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ये साफ कह दिया कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। बता दें कि महागठबंधन में पूर्णिया सीट RJD के खाते में गई है। वहीं बिहार कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने पप्पू यादव के पूर्णिया से नामांकन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस के कोटे में जो 9 सीटें आई हैं उनमें पूर्णिया नहीं है। बीमा भारती की इंडिया गठबंधन की साझा प्रत्याशी हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर बीमा भारती को ही जिताएगा। आप लोगों की क्या इस पर राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBN 9 न्यूज़।